वहीं बीएसपी के धरना प्रदर्शन पर मायावती का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को नहीं कहा था कि धरना प्रदर्शन करो, बीजेपी ने जो कार्रवाई की है वो सही नहीं है, एफआईआर बीजेपी और राज्य सरकार को करानी चाहिए थी। सपा और बीजेपी मिले हुए हैं, आज दयाशंकर के परिजनों को एहसास हो रहा है। चाहे देश का कोई अन्य राज्य है, चाहे उत्तर प्रदेश है, लोग अपने आप आक्रोश में आकर वहां पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। मैंने किसी को नहीं कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन करो, लेकिन धरना प्रदर्शन के दौरान तो लोगों को लगा कि भाई हमारी लड़की के बारे में, हमारी बहन के बारे में, जिसको हम देवी का रूप समझते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, मेरे ख्याल संसद ने भी उसको कंडम किया और सभी दलों के नेताओं ने कंडम किया ज्यादातर, और बीजेपी ने भी इसके मामले को लेकर जब लगा कि पूरा हाउस जो है इसको कंडम कर रहा है, तो उसके बाद तो उन्होंने उसको पद से हटाया दयाशंकर सिंह को, और उसको पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। ये मैं समझती हूँ ये कोई पूरी कार्रवाई नहीं है। बेहतर ये होता कि भारतीय जनता पार्टी को 6 साल की बजाय उसको हमेशा के लिए पार्टी से निकालते, और जो एफआईआर देर रात में बहुजन समाज पार्टी की ओर से वहाँ पे दर्ज की गई है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी द्वारा जो दर्ज कराई गई है इस घटना को लेकर, बेहतर यही होता कि ये एफआईआर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये एफआईआर दर्ज होती।